हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर खुशबूस वाइटल केयर। क्या आपके पीरियड्स मिस हुए हैं? अगर इसका आंसर हाँ है तो ये आपकी प्रेगनेंसी का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। दोस्तों, कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। हर महिला अलग अलग तरह के सिम्टम्स को महसूस कर सकती हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स सभी महिलाओं में समान होते हैं जो प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर मिस्ड पीरियड को प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग सिम्टम माना जाता है। इसके अलावा आप अपने ब्रेस्ट में दर्द, मॉर्निंग सिकनेस, जी मिचलाना महसूस कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में जिन्हें देखकर आप पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट सिम्टम इज पीरियड मिस होना। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और उस दौरान आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आपके पीरियड्स का मिस होना अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम माना जाता है, लेकिन कभी कभी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। इसलिए पीरियड्स मिस होने पर प्रेगनेंसी टेस्ट करें या अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। सेकेंड सिम्टम इज जी मिचलाना और चक्कर आना। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के जस्ट बाद जी मिचलाने और चक्कर आने की समस्या महसूस हो सकती है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि ये समस्या सभी महिलाओं को हो। ये समस्या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन के घटने बढ़ने के कारण हो सकती है। थर्ड सिम्टम में स्लाइट ब्लीडिंग। जब फीटस पहली बार गर्भाशय में जाता है तो ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है और ब्लीडिंग का कारण बनता है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। इस हल्के ब्लीडिंग को अक्सर पीरियड्स की शुरुआत मान लिया जाता है, लेकिन आमतौर पर पीरियड्स के खून का रंग थोड़ा अलग होता है। ये फर्टिलाइजेशन के 10 से 14 दिन बाद हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम में थकान महसूस होना। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में थकान महसूस होना भी बहुत सामान्य होता है। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आप थकान महसूस कर सकती हैं और जिससे आपको ज़्यादा नींद भी आ सकती है। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम इज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस को भी प्रेगनेंसी के मुख्य लक्षणों में से एक माना जाता है, जो दिन या रात किसी भी समय हो सकती है। अक्सर आपके प्रेग्नेंट होने के एक महीने बाद ये लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। कुछ महिलाओं में ये कुछ पहले भी शुरू हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट और निप्पल्स में दर्द होना और निप्पल्स का कलर चेंज होना। अर्ली प्रेगनेंसी के दिनों में हॉर्मोनल चेंजेस के कारण आपके ब्रेस्ट में आप सेंसिटिविटी और निप्पल्स में दर्द महसूस कर सकती हैं। कुछ महिलाओं में निप्पल्स में सेंसिटिविटी के साथ साथ ब्रेस्ट में दर्द भी महसूस किया जा सकता है। ये सिम्टम कुछ हफ्तों के बाद कम होने लगता है, क्योंकि समय के साथ आपका शरीर हॉर्मोनल चेंजेस को अपने में वेल एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा आपके निप्पल्स का रंग भी भूरे से काले रंग में चेंज होने लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिम्टम इज मूड स्विंग होना। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में मूड में उतार चढ़ाव आना भी अहम भूमिका निभाता है। प्रेगनेंसी के बाद एक महिला बिना कारण हंसना, रोना और इन जनरल इमोशनल फील करती है। ऐसा उसके शरीर में हार्मोन के कारण होता है। ये लक्षण अक्सर सभी महिलाओं में उनकी प्रेगनेंसी के समय काफ़ी आम है। नेक्स्ट सिम्टम इज सिर दर्द और सिर भारी होना। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आप सिर दर्द का अनुभव कर सकती हैं, जो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में शरीर में बढ़ते ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ते हार्मोन के लेवल के कारण हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज बार बार टॉयलेट जाना। बार बार टॉयलेट जाना भी प्रेगनेंसी के मुख्य लक्षणों में जाना जाता है। अगर आप ओवुलेशन के बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आप एक दिन में नॉर्मल से ज़्यादा बार टॉयलेट के लिए जा सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी किडनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड निकालने लगती है, जो टॉयलेट की हेल्प से बाहर निकलता है। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम इज खाने की इच्छा में बदलाव। प्रेग्नेंट होने के बाद एक खास लक्षण होता है जो ज़्यादातर सभी महिलाएं ज़रूर फील करती हैं, वो है आपके टेस्ट में चेंज, कभी किसी फूड आइटम को खाने की बहुत इच्छा होना। न्यू प्रेग्नेंट लेडीज़ में अक्सर फूड की गड़बड़ी डेवलप होती है। प्रेगनेंसी से पहले उनके पसंद किए जाने वाले फूड आइटम्स इस दौरान पसंद नहीं आते। इसके अलावा आपको किसी खास फूड आइटम को खाने का मन बार बार हो सकता है। इसे प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग के रूप में जाना जाता है। लास्ट सिम्टम इज डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी में आपकी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, जिस कारण आप कुछ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे पेट फूलना, कब्ज, उल्टी आना का सामना कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान
डाइजेशन प्रोसेस धीमा होने के कारण फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में सामान्य से ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, जिस कारण कई प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपनी प्रेगनेंसी में गैस या ब्लोटिंग की समस्या काफ़ी पहले फील होने लगती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी काफ़ी आम है। प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल इनडाइजेशन सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ये सभी लक्षण महसूस कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी कंफर्म करने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं या अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये सभी प्रॉब्लम्स अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के रूप में जानी जाती हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, आपकी एक लाइक से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।